पुरुषों को इन सात प्रकार की स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। वो सात स्त्रियां कौन हैं? मित्रों, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, एक सेठ जी अपने परिवार के साथ विदेश में रहते थे। उनका यह नियम था कि प्रत्येक वर्ष अपने देश भारत में घूमने आया करते थे। एक बार जब वे अपने देश में भ्रमण करने आए तो वे एक ऐसे नगर में पहुंच गए जहां भीलों की बस्ती थी। वहीं पर उन्होंने एक तोता देखा। तोते ने जब सेठ जी को देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, चलो रे चलो लूटो रे लूटो। अब लूटो लूटो की आवाज सुनकर बस्ती से चोर निकल कर आए और उन्होंने सेठ के पास जो धन था उसे लूट कर ले गए। सेठ जी बहुत निराश हुए, सोचने लगे, अजीब तोता था, उसने तो हमारा सारा धन लुटवा दिया। मित्रों, अब सेठ जी अपना भ्रमण रद्द करके पुनः वापस विदेश चले गए। एक वर्ष के बाद सेठ जी फिर से भारत में घूमने के लिए आए। अब की बार उन्हें पिछली बात खूब अच्छी तरह से याद थी कि इस बस्ती में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पिछली बार एक तोते ने हमें लुटवा दिया था। उसी बात को ध्यान में रखते हुए सेठ जी उस भीलों की बस्ती को बचाकर कहीं अन्यत्र होते हुए चले गए। चलते चलते जब वे एक संत के आश्रम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संत के आश्रम पर एक तोता बैठा हुआ था। सेठ जी को देखकर वह तोता बड़ी मधुर वाणी में बोलकर उनका स्वागत करने लगा। कहने लगा, आइए महानुभाव, राम कोटी में आपका स्वागत है, बैठिए, कुछ जलपान कीजिए, भगवान का कीर्तन हो रहा है, कीर्तन सुनिए, संतों की वाणी जीवन को पवित्र बनाती है, कुछ संत समागम कीजिए। मित्रों, इस प्रकार तोते की मीठी वाणी सुनकर सेठ जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगे कि वह भी तो एक तोता था जो बहुत कड़वा बोलता था, जिसने लूटो लूटो कहकर हमें लुटवा दिया था, और यह भी एक तोता है जिसकी बोली में बड़ा मिठास है, हमारे स्वागत में कितने अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण किया है। तोता कहने लगा, हे महानुभाव, भीलों की बस्ती में रहने वाला वह तोता मैं ही था जिसने तुम्हें भीलों से लुटवाया था। उस समय हमारी संगति ठीक नहीं थी, हम चोरों की बस्ती में रहते थे। चोरों की बस्ती में रहते रहते हमारी वृत्ति हिंसक और तामसी हो गई थी। उस समय हम रात दिन वहीं देखते थे, चोरी हिंसा मारकाट, इसलिए हमारे अंदर भी वैसे ही भाव पनप गए। एक दिन उसी गली से कीर्तन करते हुए कुछ साधु पुरुष गुजर रहे थे। उनके कीर्तन की ध्वनि जब हमारे कानों में पहुंची तो हमारे कुछ पूर्व जन्म के पुण्य जागृत हो गए और हम वहां से संतों के साथ ही चले आए। यहां आकर रात दिन साधु पुरुषों की वाणी सुनकर हमारी वृत्ति पूरी तरह से बदल गई। इसलिए कहते हैं, जैसी संगत होती है वैसे ही विचार बनते हैं, और जैसे विचार बनते हैं वैसे ही कर्म होते हैं। तोता कहने लगा, हे महानुभाव, यहां रहकर रात दिन सत्संग सुनकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो मनुष्यों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी हैं। मानव यदि इन्हें भली भांति याद कर ले तो उसके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हे महानुभाव, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मनुष्यों के रहने का ठिकाना कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं, क्योंकि वह जहाँ रहता है, जैसा देखता है, जैसा सोचता है, जैसा खाता है, वह वैसा ही बोलता है और वैसा ही करता है। मनुष्यों को भूलकर भी कभी इन तीन स्थानों पर अपना घर नहीं बनाना चाहिए। नंबर एक, जहां जुआ खेलने का स्थान हो। नंबर दो, जिस जगह मांस और मदिरा बिकती हो। नंबर तीन, जिस जगह ऐसे लोग हों जो दूसरों को धोखा देने के लिए भक्ति और उपासना का ढोंग रचते हों, जैसे कपटी, ठग, धूर्त इत्यादि। इन स्थानों से दूर ही अपना घर बनाना चाहिए। मित्रों, अपना घर ऐसी जगह हो जहां मुख्य मार्ग साफ और स्वच्छ हो, उत्तम व्यवहार वाले लोगों से घिरा हुआ हो, अर्थात
आपके घर के आसपास अच्छे व्यवहार वाले लोग रहते हों। जहां दुष्ट रहते हों, ऐसी जगह से आपका घर दूर ही होना चाहिए। ऐसा स्थान जिसमें घर की भूमि की ढाल पूरब या उत्तर की ओर होनी चाहिए। रसोई घर, स्नान घर, गौशाला, स्त्रियों के रहने का स्थान, शयन कक्ष और पूजा घर, ये सब अलग अलग बने होने चाहिए। जहां धर्मात्मा पुरुष रहते हों, ऐसे ग्राम अथवा नगर में ही निवास करना चाहिए। मित्रों, वह तोता सेठ से आगे कहता है, हे महानुभाव, पुरुष को चाहिए कि वह ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे। नंबर एक, जो स्त्री अधिक रूपवान हो। नंबर दो, झूठे दुष्ट लोगों का संग ना करे। नंबर तीन, जो लोग नशीले पदार्थों का पान करते हों। नंबर चार, ऐसे लोग जहां मांस भक्षण करते हों। नंबर पांच, जादू टोना करने वाली स्त्रियों से दूर रहे। नंबर छह, चुगलखोर स्त्रियों से दूर रहे। और नंबर सात, नाट्य अभिनय करने वाली स्त्री अर्थात नर्तकी और दुष्ट स्त्रियों का संग न करें। ऐसी स्त्रियों के साथ भूलकर भी बगीचों में, निमंत्रण में, यात्रा में नहीं जाना चाहिए। यह सब दोष पुरुषों के विनाश के कारण हैं। ऐसी स्त्रियों के अधीन यदि पुरुष हो जाता है तो वह भी निंदनीय हो जाता है। मित्रों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियां लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।